गाइस आपने क्रिकेट 19 के बारे में तो सुना ही होगा। नहीं, वो क्रिकेट गेम मैं नहीं देने वाला हूँ, बट वैसा ही रिलेटेड भाई उतने ही अच्छे ग्राफिक्स के साथ मैं आप लोगों को आज ऐसा क्रिकेट गेम देने वाला हूँ जिसके ग्राफिक्स बहुत तगड़े हैं। मजा आएगा आप लोगों को इस गेम को खेलने के बाद, और इसमें आईपीएल टीम्स वगैरह बहुत तगड़े हैं। कुछ कमी के साथ आता है लेकिन वो कमी बता दूंगा, पर ग्राफिक्स की बात है तो बहुत तगड़े ग्राफिक्स हैं। अब चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझको भी। होपफुली आप लोगों को हाई ग्राफिक्स गेम खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तभी आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, काफ़ी सारे हाई ग्राफिक्स गेम जो है वो इस साल रिलीज़ होने वाले हैं। लाइक अभी 2024 ख़त्म होने वाली है, मतलब अपनी ज़्यादा स्टार्टिंग में नहीं, मिडल में भी नहीं, हम लोग लास्ट में आ रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे गेम्स हैं भाई जो कि इस साल और रिलीज़ होने वाले हैं। लाइक तुम लोग अगर ये सोचते हो ना रियल क्रिकेट 24 बेस्ट गेम है मोबाइल के अंदर, तो मैं ये नहीं सोचता भाई। मेरा तुमसे ओपिनियन थोड़ा हटके है, मैं WCC 2 को आज भी उससे बेटर मानता हूँ भाई। ड्रीम क्रिकेट 24 जैसे गेम आज भी एग्जिस्ट करते हैं, तो आप रियल क्रिकेट को इतना महत्व मत दिया करो। मुझे पसंद नहीं है वैसे भी ज़्यादा वो गेम, ठीक है, मैं पता नहीं क्यों नहीं पसंद है कंट्रोल वगैरह से, ठीक है। लेकिन एक गेम ऐसा भी है जो तुम लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, वो इस बेस्ट गेम मोबाइल के ऊपर जो हो सकता है मेरे हिसाब से, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, वो गेम कब आएगी मैं तुम लोगों को वो समझा देता हूँ। पहले देखो, उस गेम का नाम है गॉड्स ऑफ क्रिकेट। अब ये जो क्रिकेट गेम है ये अभी आई नहीं है, ठीक है। मुझे पता है काफ़ी सारे लोग इसकी लिंक्स प्रोवाइड करा देंगे तुम लोगों को, डाउनलोड करा देंगे, भाई वो गॉड ऑफ क्रिकेट होगा, गॉड्स ऑफ क्रिकेट नहीं होगा। ये गॉड्स एंड हीरोज स्टूडियो द्वारा बनाया जाएगा और इसका कमिंग सून है, अभी 2024 में कमिंग सून है, अभी आया नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने इसका टीजर डाल रखा है, ट्रेलर डाल रखा है। अब मैं ट्रेलर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप जाकर देख सकते हो। लेकिन मैं तुम लोगों को सही बताऊँ तो इसकी इमेजेस जो निकल के आई है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है। मतलब ऐसा रियलिस्टिक क्रिकेट गेम तुम लोगों ने शायद ही आज से पहले कभी देखा होगा। और तुम एक बार ट्रेलर और उसके स्क्रीनशॉट्स देख लोगे ना, तो तुम लोग कहोगे भाई मज़ा आ गया। मतलब ऐसी चीज़ भी मोबाइल के ऊपर हम लोग खेल सकते हैं, ये हमको पता नहीं थी भाई। ड्रेसिंग रूम से लेके करियर मोड से लेके भाई एक एक तुम भाई सोच नहीं सकते भाई। IPL से लेके BBL, CPL, PPL भाई सारी लीगें देखने को मिलेंगी भाई। वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली मल्टीप्लेयर गेम देखने को मिलेगा तुम लोगों को इस गेम के अंदर। और भाई इनकी कम्युनिटी तुम लोग अभी ज्वाइन कर सकते हो, जाकर तुमको वहाँ खबरें मिलती रहेंगी भाई कब ये गेम आने वाला है। मैं तुम लोगों को बस एक मेन बात बताना चाहता हूँ, इसमें जो रियलिस्टिक मल्टीप्लेयर है ना, मल्टीप्लेयर को ज़्यादा ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई आज का लोग हकीकत का जो रियल क्रिकेट है ना, हम लोग हकीकत में खेलते थे, वो ख़त्म हो रहा है। सब लोगों को मोबाइल्स पर गेम खेलना है, तो इन्होंने उसको और मल्टीप्लेयर कर दिया, ठीक है। इसमें मिलेंगे तुमको स्ट्रीट्स इन गॉड ऑफ क्रिकेट के अंदर तुम लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब जैसे कि तुम लोगों ने नोट्स क्या होगा, मुंबई वगैरह में लोग खेलते हैं क्रिकेट, वो इंडोर क्रिकेट होता है जिसमें जस्ट हरी पट घास नहीं कह सकते उसको, एक तरीके से मैट होता है, उसके ऊपर मैच खेलते हैं, तो वो तुम लोगों को देखने को मिलेगा इसके अंदर। तुम लोगों को भाई इसके अंदर रियल स्ट्रीट्स और इंटरनेशनल, तुम लोगों को यानी कि स्ट्रीट्स क्रिकेट देखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा इस इंटरनेशनल क्रिकेट। और इसके अंदर तुम लोगों को एक मेरी मस्त चीज़ देखने को मिलेगी, वो है करियर मोड, वो तुम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। स्ट्रीट टू स्टेडियम, मतलब तुम लोग स्ट्रीट पर खेलोगे क्रिकेट शुरू में, फिर इंटरनेशनल तुम्हारी होगी, तुम्हारी जर्नी होगी, ठीक है। इसके अंदर तुम लोगों को रियल टाइम मल्टीप्लेयर मिलेगा 11 vs 11। अब तुम लोग सोचोगे 11 11 क्या है भाई, मतलब कि तुम लोग ऐसा नहीं कह सकते भाई, नॉट जस्ट एन AI गेम, ये AI से बना नहीं है। तुम्हारे 11 प्लेयर होंगे, तुम 11 दोस्त मिलकर खेलोगे किसी और के 11 से, ठीक है, समझ रहे हो, सब अपने अपने मोबाइल पे खेलोगे, एकदम इतना ज़्यादा रियलिस्टिक है। तभी तो टाइम लग रहा है भाई, तुम कहाँ रियल क्रिकेट को मानते हो बेस्ट गेम। मैं इसीलिए कह रहा हूँ तुम लोगों को, वेट करो भाई, 11 vs 11 मल्टीप्लेयर आज तक किसी गेम ने नहीं है भाई, ना ही उसको भाई है मुमकिन। अब तो बना रहे ना भाई, मतलब कि मैं जैसे मैं तुम्हारे दोस्त में हूँ, ऐसे तुम्हारे तुम मेरे कैप्टन हो, मैं प्लेयर हूँ, तो हम जस्ट 11 लोग खेल रहे हैं और हम अपने दोस्तों और 11 लोग, यानी 22 लोग हकीकत में क्रिकेट खेलेंगे मोबाइल्स के ऊपर, तो एक साथ वो भी, तो एक काफ़ी तगड़ी बात है। इसके अंदर तुम लोगों को स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी भाई, प्लेयर अचीवमेंट, टीम अचीवमेंट, भाई एकदम सब चीज़ मैटर करेगी इस गेम के अंदर। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट क्रिकेट गेम हो सकता है। लेकिन तुम लोगों को इसमें भाई कैप्टनसी वगैरह देखने को मिलेगी भाई, बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। और भाई इसके अंदर तुम लोगों को इन गेम बॉल फिजिक्स देखने को मिलेगी, जिस लोगों को इन लोगों को नहीं पता भाई, तो फिजिक्स का बहुत मेन काम होता है क्रिकेट के अंदर, जब बॉल आप करते हो तो वो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। क्या ही ग्राफिक्स हैं भाई, क्या ही चीज़ें हैं, मैं जरूरत नहीं, मैं बताना नहीं चाहता तुम लोगों को, एक आध स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा तुम लोगों को। बाकी मैं चाहता हूं भाई जिसने मेहनत की है वही चीज़ देखें, यानी कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखो, मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, जिससे तुम लोग आराम से जाकर देख सकते हो। और ये गेम को ब्रीडिंग किया जाएगा ई स्पोर्ट्स के ऊपर, जिनको नहीं पता ई स्पोर्ट्स गेमिंग क्रिएटर्स के लिए होता है, गेमिंग जो गेमर्स होते हैं वो खेलते हैं, तो ई स्पोर्ट्स के ऊपर भी ये गेम होगा। इसका तुम लोग यानी कि अपना करियर भी चूज कर सकते हो इस गेम के ऊपर, क्योंकि भाई यहाँ पर ये गेम आ जाएगा भाई, अभी नहीं आया, लेकिन ये गेम कब तक आएगा भाई, भाई कंक्लूजन लगा सकते हो ये गेम कब तक आ जाएगा भाई, 2024 में आ जाएगा, चिंता मत करो, हो सकता है लास्ट में आ जाए, दीपावली पे आ जाए, भाई कभी भी आ जाए, भी ट्रेलर टीजर तो आ चुके हैं, तुम लोग जाकर देख सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसा लगा तुम लोगों को तुम्हारे गॉड्स ऑफ क्रिकेट गेम के ऊपर बताना कमेंट बॉक्स में तुम लोग। और हाँ, अगर तुम लोगों को कोई ऐसा गेम तुमको डाउनलोड करने को दे तो कृपया कर ना करें, क्योंकि मोडेड वर्जन को डाउनलोड करना अच्छा नहीं होता है, जिस चीज़ है भाई उसको डाउनलोड करो, ठीक है, रियल चीज़ ही रियल होती है, ठीक है। और ये गेम जो है भाई तगड़ी तगड़ी तुमको न्यूज़ आती रहेंगी, इसलिए तुम लोग चाहो तो फिर ज्वाइन कर सकते हो और कम्युनिटी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।